कौम क्या हाल है मेरे भाइयों, सब ठीक हो? मैं मोहम्मद नदीम दित्ता असील से बात कर रहा हूँ। तो न्यू जोड़े लगाए हैं तो भाइयों को शौक करा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा शौक पसंद आएगा। दित्ता असील मेरा चैनल है और मैं एक असील लवर हूँ। ये पीले का शौक करे मेरे भाइयों, और ब्लड लाइन से है ये। इसके बाद आ जाए ये मेरा लाखा टोपला। उम्मीद है कि आपको मेरा शौक पसंद आएगा। कपड़े लली काले पीले, इसके खली ताजा है और ब्लड लाइन से है मेरे भाइयों फुल। आज मैं आपको अपना शौक करा रहा हूँ, देखते जाएं मेरा शौक देखेगा। वो थोड़ा सा क्रीच में पड़ा हुआ है जिसकी वजह से डर है। ये बहुत आउट क्लास मेरा मुर्गा है और अच्छा ब्रीडर है और अच्छा गेम बाल्ड है। ठीक है मेरे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाली घंटी को बजाइए दीजिएगा, आपको मिलेगा। ये भी फुल क्रीच में पड़ा होगा, स्लेटा पर शर निकाल रहे हैं। इसका शौक करें। चंद बाल्ट है मेरे पास, ये इस सीज़न का पट्टा है। उम्मीद है कि आपको इसका शौक पसंद आएगा। सबस शेड मार रहे हैं। ये जो आपको मैंने लाखा दिखाया है, ये इस लाखे का बच्चा है। अभी ये 8 माह का है। उसके बाद मेरे भाइयों, ये एक जोड़ा मैंने लगाया है, मेरी पुरानी मादी है, और इसके साथ ये इसी का पट्टा लगाया है। फसालत में आप जान सकते हैं, अभी ये बाल कुंडले कर रहे गर्दन के। मज़ीद जब नेक्स्ट ब्रीड निकलेगी तो ये मज़ीद गर्दन के बाल मूव करेंगे। ये जितना इन ब्रीडिंग की ये निशानी है। ये जोड़ा चेक कर, जावी मादी है और ये 7 लाखा गेम बाल्ड है मेरे भाइयों। उम्मीद है कि आपको मेरा शौक पसंद आएगा। कुछ बच्चे शच्चे भी निकले हुए हैं अभी। ये मुर्गी थोड़ा सा बुरा मनाती है, बच्चे निकालना शुरू कर दिए थे, इसने बाहर ले आई है ये। कुछ अंडे ज़्यादा ही गंदे कर दिए हैं इसलिए एक दफ़ा। अभी आपको 0 साइज की तरफ लेके जाते हैं। ये मेरे 0 साइज के जोड़े हैं। माशाल्लाह जी, इसने आज पहला अंडा भी उतार दिया है। ये बिल्कुल मेरा 0 साइज का जोड़ा है जी। माशाल्लाह इसने आज अंडा भी उतार दिया है। कैमरे में आपको अंडा नज़र आ रहा है? हाँ, वो अंडा भी नज़र आ गया। उम्मीद है कि आपको मेरा शौक पसंद आएगा। ये भी 0 साइज कह सकते हैं, इतने बड़े नहीं है ये। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाली घंटी को बजा दीजिएगा। ये कुछ पट्टे और कुछ बच्चे। नेक्स्ट में आपको वीडियो अपना शौक कराता रहूँगा। ठीक है मेरे भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।